तो एक महीना कैसा रहा कार्यकाल? जहां पंजाब में चरणजीत सिंह चन्नी को सीएम पद की शपथ लिए हुए एक महीना पूरा हो गया है, विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं और इस बाबत सभी सियासी दल तैयारियों में जुटे हुए हैं। वहीं मुख्यमंत्री चन्नी बीते दिनों में बहुत गति लाए हैं और इस दौरान बैठकें करना, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ मिलना, राज्य के लोगों से मिलना और देर रात तक काम करना, ये सब सीएम चन्नी की दिनचर्या में शामिल हो गया है। कुल मिलाकर बीते एक महीने से सीएम चन्नी रुके नहीं हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह की कमी को पूरा करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अभी तक कैबिनेट की 5 बैठकें कर डाली हैं और बैठकों में कई अहम फैसले लिए गए हैं। इनमें 2 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का बकाया बिजली बिल माफ कर दिया गया। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में पानी के बिल के लिए हर महीने सिर्फ 50 रुपये ही देने होंगे, ये बड़ा ऐलान सीएम चन्नी की तरफ से किया गया। वहीं लाल डोरा के तहत आने वाले परिवारों को जमीन का मालिकाना हक दिलाया जाएगा और 4th ग्रेड कर्मचारियों की भर्ती का फैसला भी एक क्रांतिकारी फैसला माना जाता है। वहीं एक सरकारी अधिकारी के मुताबिक सीएम चन्नी की गति के साथ तालमेल बैठाना बहुत मुश्किल है। वो बगैर सोए घंटों तक काम कर रहे हैं, वो सचिवालय में देर रात तक काम करते हैं, फिर घर जाते हैं और रात के 2:30 बजे भी किसी सवाल के जवाब के लिए फोन करने लगते हैं। सुबह 5 बजे वो फिर से फाइल उठाकर उस पर काम करने लग जाते हैं और मुख्यमंत्री चन्नी की आने वाले चुनाव को लेकर राज्य की व्यापक स्तर पर दौरा करने की योजना है और वो माझा, दाऊबा और मालवा क्षेत्र का दौरा पहले ही कर चुके हैं। अपनी पहले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीएम चन्नी ने जोर देकर कहा था कि वो सभी के लिए सुलभ रहने वाले मुख्यमंत्री साबित होंगे। तो सीएम चन्नी के कार्यकाल का एक महीना पूरा हो गया है और सीएम चन्नी ने जनहित के कई फैसले लिए हैं। देर रात तक वो सचिवालय में काम करते हैं और एक अधिकारी, वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक सीएम चन्नी बहुत ही क्रांतिकारी तरीके से जनता के बीच अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जनहित के फैसले लगातार ले रहे हैं। कई बार उनकी जनता के साथ अच्छे तालमेल की तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें वो अपने आप को बड़ा भाई बताते हुए देखे गए, चाहे वो लंगर में जमीन पर बैठकर लंगर छकने की बात हो। और एक के बाद एक उन्होंने पंजाब से लेकर और यूपी तक की, जब जिस समय लखीमपुर खीरी का एपिसोड चल रहा था उस वक्त वो दिल्ली भी राहुल गांधी के साथ पहुंचे थे और वहां पर भी उन्होंने कांग्रेस को मजबूती देने का काम किया था। तो जनहित के कई फैसले लेकर सीएम चन्नी लगातार जनता के दिलों में छाए हुए हैं और ये वो तस्वीरें जब वो जनता से सीधे मुखातिब होते हैं। इस तरीके की तस्वीरें बेहद ही कम पंजाब की राजनीति में देखी गई हैं। सुरक्षा व्यवस्था को लेकर भी सीएम चन्नी की तरफ से जो सुरक्षा को लेकर बड़ा तामझाम होता है उसको भी कम करने की गुहार उनकी तरफ से बात की गई थी। तो आइए ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते हैं कि सीएम चन्नी का ये जो एक महीना पूरा हुआ है इस दौरान कौन से बड़े काम उनके द्वारा किए गए हैं। तो सीएम चन्नी के एक महीने के कार्यकाल में अभी तक सीएम चन्नी ने 5 कैबिनेट बैठकें की हैं और इनमें उन्होंने जनहित के कामों को लेकर गहन मंथन किया है। सबसे पहला काम, 2 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन वालों का बकाया बिल माफ कर दिया है, इसको एक क्रांतिकारी फैसले के रूप में देखा जा रहा है। साथ ही पानी के बिल के लिए हर महीने सिर्फ 50 रुपये ही देने होंगे, ये एक बड़ी राहत पंजाब की जनता को सीएम चन्नी की ओर से दी गई है। बड़ी बात यह है कि शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में यह फैसला लागू होगा। वहीं लाल डोरा के तहत परिवारों को जमीन का मालिकाना हक देने का यह क्रांतिकारी फैसला सीएम चन्नी की तरफ से लिया गया है और इस एक महीने के छोटे से कार्यकाल में सीएम चन्नी ने 4th ग्रेड कर्मचारियों की भर्ती का भी फैसला लिया है। तो सिर्फ एक महीने के कार्यकाल में सीएम चन्नी की तरफ से 5 बैठकें कर डाली गई। कैबिनेट की इन 5 बैठकों में उन्होंने पंजाब की जनता के विकास के लिए और उन जनहित के कामों को लेकर बड़े कई स्टेप लिए हैं। उनमें से 2 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन वालों का बकाया बिल माफ करने का फैसला हो या फिर पानी के लिए सिर्फ हर महीने 50 रुपये का एक क्रांतिकारी फैसला सीएम चन्नी की तरफ से लिया गया है। तो कैप्टन अमरिंदर सिंह का जो स्थान खाली हुआ था उस पर बहुत अच्छे तरीके से सीएम चन्नी बैटिंग करते हुए देखा जा सकते हैं और सीएम चन्नी की तरफ से लाल डोरा के तहत जो परिवारों को जमीन का मालिकाना हक प्रदान करने की बात की गई थी उस पर भी एक बड़ा फैसला
सीएम चन्नी की तरफ से लिया गया है। साथ ही फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की भर्ती का फैसला भी लिया गया है। महज एक महीने के अपने इस छोटे से कार्यकाल में सीएम चन्नी ने एक के बाद एक बड़े फैसले लेते हुए पंजाब की जनता को राहत देने की भरपूर कोशिश की है। तो सीएम चन्नी की तरफ से महज एक महीने के कार्यकाल में ये बड़ी बातें जो स्क्रीन पर आपको दे रहे हैं। पानी के बिल के लिए हर महीने सिर्फ 50 रुपए ही देने पड़ेंगे, ये पंजाब की आबादी के लिए एक बड़ी राहत। साथ ही शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में यह फैसला लागू होगा। सीएम चन्नी की तरफ से सिर्फ एक महीने के कार्यकाल में जनहित के कामों को और जनता को भरपूर राहत देने की कोशिश की जा रही है। लाल डोरा के तहत परिवार वालों को जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला इस एक महीने में लिया गया है। साथ ही चतुर्थ श्रेणी के जो कर्मचारी हैं ग्रुप डी के, उनकी भर्ती का फैसला भी सीएम चन्नी की तरफ से लिया गया है। 5 कैबिनेट बैठक सीएम चन्नी ने एक महीने के अंदर कर डाली है और एक अच्छा तालमेल संगठन के साथ भी अच्छा तालमेल, साथ ही जनता के साथ जो सहज सुलभ वाली इमेज होती है वो भी देखी गई है। कई बार वो जहां पर लोग धरना प्रदर्शन कर रहे थे अपना, और उस दौरान वो पहुंचे और उन्होंने युवाओं से खुद बात की। सिक्योरिटी को लेकर तामझाम ज़्यादा देखा नहीं जाता है और 1-to-1 जो कनेक्ट होता है सीएम और जनता के बीच, उसकी बहुत ही बेहद ही मनमोहक और दिल मोह लेने वाली तस्वीरें सीएम चन्नी की तरफ से सामने देखी गई हैं। तो 2 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन वालों के जो बकाया बिल थे वो माफ कर दिया है सीएम चन्नी की तरफ से। प्रतीकात्मक रूप से इन बिलों की इनको आग लगाते हुए एक तरीके से कि अब इसको तिलांजलि दी जाती है, अब आपको इनकी फिक्र नहीं करनी है, ये भी दिखाया गया। साथ ही इन 5 कैबिनेट बैठकों में सीएम चन्नी ने पंजाब की जनता को राहत देने के लिए भरपूर कोशिश की है और सीएम चन्नी बिना थके बिना रुके काम कर रहे हैं। एक अधिकारी के मुताबिक रात में 2:30 बजे भी सीएम चन्नी फोन करके हालचाल जान लेते हैं और सवालों के जवाब लेते हैं। सुबह 5 बजे वो फिर से फाइलें लेकर काम करने में जुट जाते हैं और देर रात तक काम करने उनकी अब आदत बन चुकी है। सहज सुलभ जनता के बीच देखे जा रहे हैं तो सीएम चन्नी ने जनहित के कई बड़े फैसले लिए हैं और इस अपने एक महीने के छोटे से कार्यकाल में कैप्टन अमरिंदर सिंह की जो कमी कांग्रेस को खल रही थी उसका कहीं पर भी लेश मात्र भी एहसास नहीं होने दिया है। बड़े फैसले आपको ग्राफिक्स के जरिए आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। फोर्थ ग्रेड कर्मचारियों की भर्ती का फैसला, ये एक क्रांतिकारी फैसला पंजाब की राजनीति के हिसाब से देखा जा रहा है। साथ ही अभी तक सिर्फ एक महीने के कार्यकाल में 5 कैबिनेट बैठकें सीएम चन्नी की तरफ से कर दी गई हैं। तो सीएम पद की शपथ लिए हुए एक महीना पूरा हो चुका है, विधानसभा चुनाव के दिन करीब आ रहे हैं, सभी सियासी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुटी हैं और मुख्यमंत्री चन्नी की जो इस समय स्पीड है वो सबको आश्चर्यचकित कर रही है। लगातार वो बैठकें कर रहे हैं, पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ भी मिल रहे हैं, राज्य के लोगों के साथ भी मिल रहे हैं और देर रात तक काम करना, ये सब अब सीएम चन्नी की दिनचर्या का हिस्सा हो गया है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो बीते एक महीने से सीएम चन्नी रुके नहीं हैं और कैप्टन अमरिंदर सिंह की कमी को पूरा करने में काफ़ी हद तक सफल माने जा रहे हैं चुनावी पंडितों का अभी फिलहाल यही कहना है। चरणजीत सिंह चन्नी ने मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने के बाद अभी तक करीब 5 बैठकें कर डाली हैं और इन 5 बैठकों में कई बड़े फैसले ऐसे लिए गए जो पंजाब की जनता के जीवन स्तर में बड़ी खुशियां लेकर आए हैं। तो इनमें 2 किलोवाट तक के बिजली कनेक्शन वाले उपभोक्ताओं का बिल माफ किया गया। साथ ही शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों दोनों प्रकार के क्षेत्रों में पानी के बिल के लिए हर महीने सिर्फ 50 रुपए देने होंगे। और इसी विषय पर हमारे साथ चर्चा करने के लिए बेहद ही खास मेहमान जुड़ गए हैं, आपका परिचय उनसे करवा देते हैं। हमारे साथ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता संदीप त्रिपाठी जी जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है संदीप त्रिपाठी जी एनबी न्यूज पर आपका, और आपको मेरा नमस्कार। सीएम चन्नी का एक महीने का ये छोटा सा कार्यकाल बहुत उपलब्धियों भरा माना जा रहा है, लेकिन चुनावी पंडित जो है वो कुछ चुनौतियां भी जता रहे हैं। आप किस तरीके से देखते हैं, क्या चैलेंजेस और कौन से बड़े काम उन्होंने अभी तक पंजाब की जनता के लिहाज से किए हैं? संदीप त्रिपाठी जी, देखिए राजनीति और मानव जीवन चैलेंज और संघर्ष का है, इसमें कोई दो राय नहीं है और ये लगातार सतत प्रक्रिया ये चलती रहती है। चैलेंज आदमी के जीवन में आता है, उसे जो स्वीकार करके उसको जो एक्सेप्ट करके काम करता है वही सफल माना जाता है। तो आज जिस प्रकार से चन्नी जी ने उस चैलेंज को एक्सेप्ट किया और जिस तरीके से कार्य कर रहे हैं
वो पूरे देश में सराहनीय है। आप देखिए चतुर्थ श्रेणी की कर्मचारी की वैकेंसी आउटसोर्सिंग के माध्यम से पूरे देश में भरी जा रही है लगभग लगभग, लेकिन उसी दौर में आज जो है एक सीएम निकल कर आते हैं और ये कहते हैं कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियां आईएएस और पीसीएस के अधिकारियों के जैसे होगी, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात। जब आप सिर्फ वादा करते हैं बिजली के बिल माफ करने के और वगैरह वगैरह, आज एक व्यक्ति माफ करके दिखा रहा है कि 1200 करोड़ रुपए उसने किस तरीके से माफ कर दिए एक कलम से, किस तरीके से वो दिखा रहा है कि पानी के बिजली की जिसकी आप बात करते हैं 300 लीटर देने की 400 लीटर देने की, उसने पूर्णता जितने भी बिजली के बिल पानी के बिल से माफ कर दिया और 50 रुपए मात्र जो है पानी का बिल रखा। कितने लीटर ले रहे हैं कितने नहीं ले रहे हैं उससे कोई मतलब नहीं जी। आप उसके अलावा आप देखिए जिस तरीके से अभी उन्होंने वाल्मीकि समाज के लिए वहां पर वो गए वो घोषणा उन्होंने की और लगातार सतत रूप से आप देखिए जिस तरीके से उन्होंने अभी अपने लड़के की शादी की है। देखिए हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री कहते हैं गरीबों का बेटा है, लेकिन चार अगर उनके दिन भर में आप चार कार्यक्रम देखते हैं तो चार प्रकार के कपड़े आप देखते हैं, बढ़िया सिल्क का विदेशी कपड़ा मतलब हर तरीके से 1.5 लाख की पेन मतलब जितनी रईसी कर सकते हैं वो करते हैं, लेकिन एक एक मुख्यमंत्री आप देखिए किस तरीके से मुख्यमंत्री बनता है और अपने लड़के की शादी गुरुद्वारे में जाकर कितनी सादगी तरीके से करता है और लोगों के साथ बैठकर लंगर खाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी चीज है। मैं ये समझता हूँ कि ये आने वाले समय में भारतीय राजनीति का एक जो है बहुत बड़ा सितारा होंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। रही बात कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की बात आप अभी कर रहे थे, ठीक है अमरिंदर सिंह जी का सम्मान है, लेकिन आप समझिए जिस पार्टी को अभी आज तक आप गाली दे रहे थे, जिस पार्टी के बारे में अभी तक आप क्या क्या कह रहे थे, जो किसानों को पंजाबियों को सिखों को खालिस्तानी कह रहा था, गुंडा मवाली कह रहे थे, जो विभिन्न प्रकार की उपलब्धियां दे रहे थे, क्या सीएम अमरिंदर सिंह जी हमारे पूर्व सीएम क्या ऐसे लोगों के साथ जाने के लिए तैयार होंगे? तो इससे ज्यादा राजनीति जो क्या कहते हैं गिरावट और हो ही नहीं सकती है। संदीप त्रिपाठी जी, उन्होंने नई पार्टी का ऐलान भी कर दिया है कि वो अब नई पार्टी के साथ जाएंगे, साथ ही बीजेपी के साथ गठबंधन की भी सुगबुगाहट चल रही है कि हो सकता है कि ये जो किसानों वाला मसला चल रहा है इस पर कोई बीच का रास्ता निकाल कर वो बीजेपी से अपनी शुरुआत कर दें, इसको किस तरीके से देखते हैं, ये कितनी बड़ी चुनौती पेश कर सकते हैं आपके लिए? समझदार हैं किसान को अगर ये मूर्ख समझते हैं या मैं समझूं तो मुझसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं होगा। ठीक है, किसान का ही लड़का आईएएस बनता है पीसीएस बनता है, उसी के लड़के अधिकारी पत्रकार आप भी किसी न किसी किसान के लड़के हो, तो अगर उसको आप मूर्ख समझते हैं तो मतलब सरासर मूर्खता है। अगर अमरिंदर सिंह जी ये सोचते हैं कि कोई बीच का रास्ता या कोई लॉलीपॉप देकर वो किसानों को अपनी तरफ ला लेंगे या भाजपा की तरफ लेकर चले जाएंगे तो मूर्खता है उनकी। इसलिए मूर्खता मैं कहूंगा कि जो 800 लोग अब तक बॉर्डरों पर शहीद हुए हैं क्या उनकी शहादत आप वापस कर देंगे? नहीं कर पाए आप। क्या जो किसानों को गुंडा मवाली खालिस्तानी और विभिन्न विभूतियों से इस भाजपा ने जो है सम्मानित किया है, मैं कहूंगा सम्मानित किया है, तो ऐसे सम्मान जिसके हकदार जो है किसान नहीं थे, जो सम्मान जबरदस्ती दिया गया है, क्या वो सम्मान आप कंटिन्यू जारी रखेंगे या उसके लिए आपने कभी बोला? अगर आपने बोला है तो क्या उस चीज को जो उन्होंने कहा है उसके लिए माफी मांगेंगे या भाजपा माफी मांगेगी? नहीं, आज 1 जनवरी के बाद से लगभग जो है किसान वार्ता नहीं हो रही है, तो क्या किसान इस बात को नहीं समझ रहा है? अगर आप अमरिंदर सिंह जी के थ्रू बात करते हैं तो अमरिंदर सिंह जी जब कांग्रेस में थे तब क्यों बात नहीं करा पाए? आज अगर भाजपा उनके माध्यम से बात करेगी तो किसान नहीं समझेगा कि ये मूर्ख हमें बना रहे हैं या हमें जो है लॉलीपॉप देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक चीज देखिए, जब याद करिए आज जब सीएम चन्नी जी कह रहे हैं कि हम सबको आवास देंगे जो भी 50 साल से रह रहा है, आप याद करिए दिल्ली के चुनाव से पहले मोदी जी आकर अनाधिकृत कॉलोनियों को खूब बड़ा इवेंट मैनेजमेंट किए थे, उस इवेंट मैनेजमेंट का क्या हुआ? आज क्या दिल्ली के लोगों को वो जो प्रक्रिया चल रही थी क्या चल रही है? तो ये किस तरीके से मूर्ख बनाते हैं, ये भाजपा का चाल चरित्र चेहरा हो गया। ठीक है संदीप त्रिपाठी जी, आते हैं आपके पास वापस, संदीप त्रिपाठी जी वापस लौटते हैं आपके पास इसी बीच, क्योंकि पंजाब में अगर देखा जाए तो बीजेपी से ज्यादा आपके लिए चुनौती आम आदमी पार्टी पेश कर रही है, और इसी बीच हमारे साथ आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बिमल किशोर जी भी जुड़ गए हैं। बिमल किशोर जी, आपको भी मेरा नमस्कार और आपका स्वागत है एनबी न्यूज पर। आप पंजाब के लिहाज से देखा जाए तो सीएम चन्नी ने 1 महीने का कार्यकाल पूरा कर लिया है, कई बड़े फैसले लिए गए, आप बिजली और पानी को मुद्दा बनाते हैं, इस पर उन्होंने जनता को बड़ी राहत दे दी है, आप वादा कर रहे थे लेकिन उन्होंने फैसला लेके दिखा दिया,
किस तरीके से देखते हैं, क्या आप जो काउंटर आपने स्ट्रेटजी बनाई थी वो स्ट्रेटजी अब धराशायी हो गई? बिमल किशोर जी, ये इन्होंने आम आदमी पार्टी की जो नीतियां थी उसको अपनाने की कोशिश की, नकल करने की कोशिश की है, लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में देखिए कोई भी किसी भी अधिकारियों के खिलाफ किसी भी कर्मचारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं। आप कह रहे हैं कि नकल करने की कोशिश की, माफ कीजिएगा मैं पहली प्रतिक्रिया पर बिल्कुल भी टोका टाकी नहीं करता हूँ, लेकिन क्योंकि ये बड़ा मुद्दा है पंजाब में बिजली और पानी, आप कह रहे हैं कि नकल करने की कोशिश की, जनता को इससे मतलब थोड़ी ना है कि नकल की जाए, जनता को तो सहूलियतें चाहिए, वो चाहे आम आदमी पार्टी दे या फिर कांग्रेस दे। अब अगर कांग्रेस दे रही है तो वो आम आदमी पार्टी को वोट क्यों देंगे? नहीं नहीं, आम आदमी पार्टी को इसलिए वोट देंगे कि जो आम आदमी पार्टी की नीतियां किसी भी पार्टी की नीतियां, आज हर आम आदमी पार्टी की हर पार्टी नकल करना चाह रही है, जो हमने काम करके दिखाया है ये उसको करना चाह रहे हैं, हमने करके दिखाया ये कर देंगे, सब दो सौ यूनिट पानी बिजली थोड़ी फ्री दे रहे हैं, ये तो 2 किलो यूनिट तक देंगे बिजली फ्री। उसके बाद मैं कहना चाह रहा हूँ, पूरे 4.5 साल अमरिंदर सिंह जी रहे मुख्यमंत्री, जो उन्होंने चुनावी बातें की है कांग्रेस ने एक भी वादा पूरा नहीं किया, लोगों को एक कार्ड दे दिया, रोजगार देंगे लोग कार्ड लेके घूम रहे हैं, जब देखा कि हमारा कुछ नहीं रहा पंजाब में तो उन्होंने एकदम से मुख्यमंत्री बदलकर अजय लुभावने नारे दे रहे हैं 4 महीने बिजली फ्री दे के क्या कर लेंगे, 4 महीने मान लो दे भी दी, मतलब लालच दे रहे हैं, हमने तो करके दिखाया है, हमने 5 साल बिल्कुल बिजली फ्री दी है, पानी फ्री दिया है, बसें फ्री दी हैं, शिक्षा और स्वास्थ्य के अंदर क्रांतिकारी काम किए हैं, ये तो अब हमारी देख रहे हैं भी हमारी नैया डूब रही है, आम आदमी पार्टी के चेहरे के हिसाब से, आम आदमी पार्टी की नीति के हिसाब से ये कर दो, उसको जनता समझ रही है, पिछले 4.5 साल आप कहाँ थे, अब चुनाव को देखते हुए आप ये प्रलोभन दे रहे हैं, लालच दे रहे हैं, वो सरासर गलत है, अगर इन्होंने देनी थी तो पहले देते 4.5 साल पहले, अब इन्होंने जान के मुख्यमंत्री बदला, अब बीजेपी क्या कर रही है, बीजेपी यही कर रही है, 4.5 साल कोई काम नहीं करा, मुख्यमंत्री बदला उससे लालच दिलवा रहे हैं और जीतने की प्रयास कर रहे हैं, पूरे देश के अंदर जहां जहां चुनाव हो रहे हैं सभी कह रहे हैं बिजली फ्री देंगे, लेकिन वास्तव में जहां इनकी सत्ता है वहां ये दे नहीं रहे, लेकिन जहां चुनाव होते हैं वहां घोषणा करते हैं हम देंगे, जहां इतने सालों से राज कर रहे हैं क्यों नहीं दी पहले, चलिए दे रहा है दुरुस्त आए, सीएम चन्नी ने तो बकाया बिजली इतने बिल थे ठीक है वो माफ कर दिए, उनको जला दिया आग लगा दी उनको, ये दे रहा है दुरुस्त आए नहीं है, ये चुनाव नीति है, ये चुनाव नजदीक देखकर ये प्रलोभन दिए जा रहे हैं, लालच दिए जा रहे हैं। ठीक है, जवाब लेते हैं, दे रहा है दुरुस्त, ठीक है विमल किशोर जी जवाब लेते हैं, संदीप त्रिपाठी जी, ये चुनाव को लुभाने के लिए, वोटरों को लुभाने के लिए आरोप है आम आदमी पार्टी का, लिए कर रहे थे या जनता के भले के लिए कर रहे थे, ये दिल्ली में कर रहे थे चुनाव के लिए कर रहे हैं या जनता के भले के लिए कर रहे हैं, जरा हमारे आम आदमी पार्टी से सीधा सा सवाल पूछ लीजिए, आपने 4.5 साल पंजाब में वादा किया था, बारी बारी पे जब आप बोल रहे थे तो संदीप विमल किशोर जी जब आप बोल रहे थे तो संदीप त्रिपाठी जी ने आपको बिल्कुल भी टोका नहीं, छोटे मोदी लोग बार बार बारी बारी से आते हैं जवाब लेते हैं, जो आपने तमाम सवाल उठाए उनका जवाब लेते हैं उसके बाद फिर आते हैं, पूरा पूरा मौका दूंगा मैं आपको विमल किशोर जी। देखिए विमल जी ने कहा कि ये चुनावी वादे हैं, तो भाई आप जो वादे कर रहे हो वो भी तो चुनाव के लिए ही कर रहे हो ना, अगर आप ये कहते हो राजनीति में अगर आप हो तो जाहिर कहोगे कि आप पॉलिटिक्स मत करिए, अरे भाई हम पॉलिटिकल पार्टी हैं तो पॉलिटिक्स करेंगे ना, हमारी आप कह रहे नीतियां आपने हमारी अच्छी, अगर आपकी कोई नीति अच्छी है अगर हमने एक्सेप्ट कर ली तो आपको क्या पेट में दर्द हो रहा है, आप अगर ये कहते हो आप तो आपके अगर एक्सेप्ट करने की बात मैं कहूं तो आप जो मेट्रो हमने चलाई थी वही मेट्रो आप चला रहे हो तो दूसरी चला दिए और साथ की खेत भी नहीं बढ़ा पाए जो जितना हम करके गए तो वही है, या आप एक आध किलोमीटर कहीं बढ़ा दिए होंगे जो हमने किया था वही कर रहे हो आप, जो पानी आप चाह रहे हो मुफ्त देने के पहले पानी पहुंचाने की तो बात करिए, हमने पानी पहुंचा दिया सब कुछ कर दिया, आप देने की बात कर रहे हो तो कौन सी बड़ी बात आप कर दे रहे हो, हमने तो पानी कहाँ कहाँ पहुंचा दिया जहां आप सोच नहीं सकते थे, और दूसरी बात आप जहां जहां आपकी पैदाइश है जहां पैदा हुई है आम आदमी पार्टी, मैं ये पूछ रहा हूं आप पिछले 5 साल में कितने विद्यालय आपने बताए बनाए डिग्री कॉलेज जरा बताएंगे हमारे भाजपा के मित्र, कितने हॉस्पिटल आपने बना दिए जरा हमारे भाजपा के मित्र बताएंगे, आपने जो हमने विद्यालय बनाए जी आम आदमी पार्टी के मित्र, हाँ आम आदमी पार्टी के मित्र सॉरी आम आदमी पार्टी के विमल किशोर जी बताएं कि कितने जो है इन्होंने बनाए विद्यालय, सिर्फ ये क्या हमने जो विद्यालय बनाए थे उसकी डेंटिंग पेंटिंग करके इन्होंने 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 सजा दिया, उसके बाद बता दिया कि हमारा सेम जैसे मोदी जी करते हैं जैसे बीजेपी करती है, तो आपका आप कुछ कर नहीं पा रहे हो, लेकिन सिर्फ आप सपने और लोगों को गुमराह करने में आप माहिर हो,
इसीलिए जब भी बात आती है, देखिए अरविंद केजरीवाल जी कहते थे कि मैं मकान नहीं लूंगा, घर नहीं लूंगा, कोई सरकारी सुविधा नहीं लूंगा, क्या हुआ उसका? आप भ्रष्टाचार की बात करते हो, जल्लोपाल कहाँ गया जिस पर आप बन कर आए, उसके लिए आवाज क्यों नहीं उठाते हो? संदीप त्रिपाठी जी आपसे आपके इन सवालों का जवाब लेंगे, लेकिन आप ये तो मानेंगे, विमल किशोर जी आ रहा हूँ मैं आपके पास, विमल किशोर जी आ रहा हूँ, लेकिन संदीप त्रिपाठी जी ये तो मानेंगे आप कि आम आदमी पार्टी, आप विपक्ष का देखा जाए तो सबसे बड़ा पंजाब में दल है, 20 सीटें हैं उनके पास, बीजेपी से तो आपका मुकाबला वहां नहीं लग रहा, 3 सीटें हैं कहां, 3 से कितना लंबा जाएंगे, आपका मुकाबला तो आम आदमी पार्टी से ही होने वाला है, और दिल्ली में आम आदमी पार्टी आपकी 15 साल की बादशाहत को खत्म करके, हालांकि आप लोगों का पहले गठबंधन भी हुआ वो सिर्फ 49 दिन चल पाया। संदीप त्रिपाठी जी, पहली बात, हमारे यहाँ एक कहावत है, नई बहुरिया जब आती है तो काम कम करती है, चूड़ी ज्यादा बजाती है, होशियार जो बहुरिया होती है, एक तो काम करने वाली होती है, उसकी चूड़ी नहीं बजती, तो ये चूड़ी बजाए और उसमें जनता जनता गुमराह हुई। आज जनता देख रही है, दिल्ली से भी ये जाने वाले हैं, आप देखिएगा आने वाले चुनाव में ये दिल्ली से साफ होने वाले हैं, जिस तरीके से जो वादे इन्होंने किए थे इतने बड़े बड़े, जैसे हमने बताया कि इनका पहला जो आंदोलन इन्होंने किया था जल लोकपाल के मुद्दे पर, आज जल लोकपाल कहाँ है? आज जल लोकपाल के लिए आप आवाज ही नहीं उठाते हो, आपने सुचिता और उसकी राजनीति करने की बात कही थी, आप बिजली कंपनियों पर बहुत बड़े बड़े आरोप लगाए थे, इतने बड़े कागज के बंडल लेकर अरविंद केजरीवाल चलते थे, आज वो कागज के बंडल कहाँ चले गए? बिजली कंपनी और मीटर घोटाले की बात कहाँ चली गई? ठीक है संदीप जी, आप जो है पंजाब में आकर उस समय भी गुमराह कर ले गए, लेकिन पंजाब में जब आम आदमी आज मुख्यमंत्री है तो आम आदमी पंजाब में ढूंढे इनको नहीं मिलेगा, ये फिर वही जहां पे चले थे वही पहुंचने वाले। ठीक है संदीप, जवाब लेते हैं विमल किशोर जी, तमाम उन्होंने आरोप लगाया, बताइएगा आपकी कांग्रेस की सरकार ने पंजाब में कितने सालों तक राज किया है, उसको भी छोड़ दीजिए, अब तो पिछले 5 साल से आपकी सरकार थी कुछ नहीं करा, अब 6 महीने पहले आप कह रहे हो केजरीवाल ये है वो है, अरे भैया पूरे देश के अंदर किसी भी मुख्यमंत्री ने किसी भी पार्टी ने ये कह के वोट नहीं मांगे होंगे, अगर मैंने काम किया तो वोट देना, सुना था आपने? इस दिल्ली चुनाव में जहाँ की जनता को आप कह रहे हो बरगलाया गया है, वहाँ की जनता को अरे बेटे की कसम भी खाई थी जल्लोपाल मुद्दे पर, आपको जल्लोपाल के मुद्दे पर बेटे की सौगंध खाई थी, क्या हुआ? बिजली कंपनी के घोटालों के आरोप लगाए आपके बीच में जब बोले थे तो मैंने उनको रोक दिया, अपने आदमी नहीं संभल रहे, आपसे कभी सिद्धू नहीं संभल रहा, कभी अमरिंदर नहीं संभल रहा, आप केजरीवाल का मुकाबला करोगे? इसने पूरे दिल्ली के अंदर एक एक चीज को क्रांति की तरह काम किया, शिक्षा के अंदर, स्वास्थ्य के अंदर, बिजली पानी, महिलाओं के लिए बसें, और आप कह रहे हम करेंगे? विश्वविद्यालय या विद्यालय बनाए पंजाब के अंदर आपने, कितने विद्यालय बनाए, कितने डिग्री कॉलेज बनाए? हमने जितने भी दिल्ली के, आप मेरे साथ चलिए, दिल्ली के जितने भी विद्यालय प्राइवेट से अच्छे विद्यालय बना चुके हैं हम, जितने भी विद्यालय बने हुए हैं उनको जिनके कमरे कम थे वो बनाए जा रहे हैं, और हजारों स्कूल अभी अंडर प्रोसेस से 5 साल है, बिल्डिंग ऐसे खड़ी नहीं होती, बिल्डिंग ऐसे खड़ी नहीं होती, आप ये देखिए मोहल्ला क्लिनिक इतने बनाए गए, आपने क्या किया ये बताओ? अगर दिल्ली में काम ना किया होता, अगर हमने काम किया होता वोट देना नहीं। किशोर जी ठीक है, पंजाब पर आते हैं, पंजाब पर आते हैं, आप अभी तक अपना सीएम कैंडिडेट भी तो डिक्लेयर नहीं कर पाए, बताएंगे क्या स्पष्ट तरीके से कि अगर आपकी पंजाब में सरकार बनती है किसको सीएम बनाएंगे? सीएम कैंडिडेट एमएलए डिसाइड करेंगे, जब हमारे एमएलए बनेंगे उनमें से एमएलए का नेता चुना जाएगा, पहले किया जाए, इन्होंने कौन सा कर दिया? उत्तराखंड में आप चुनाव लड़ने जा रहे हैं, वहां पर आपने कर्नल अजय कोठियाल को सीएम कैंडिडेट बना दिया, इससे पहले दिल्ली में अरविंद केजरीवाल हमेशा सीएम कैंडिडेट घोषित रहते हैं, कहां विधायक दल का नेता वहां पर चुना जाता है, लेकिन पंजाब के लिए आप जो कहां घोषित किया था, जब हमने दिल्ली में पहला चुनाव लड़ा था कोई घोषित नहीं हुआ था, वो तो बनने के बाद बने हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये इतनी इधर उधर की बात कर रहे हैं, मैं इनसे एक सवाल पूछ रहा हूँ, क्या ये चुनाव में ये क्या क्या वोट मांगेंगे? हमने काम किया तो वोट देना, किसी पार्टी ने पूरे देश में मांगा है वोट? भाई हमने काम किया तो वोट देना, एक बंदा काम कर रहा है उसके ऊपर बीजेपी काम नहीं करने दे रही, एलजी बिठा दिया, बावजूद इसके इतने काम कर दिए, दिल्ली की जनता देख रही है, दिल्ली की जनता को ये कह रहे हैं बरगला दिया, अगर बरगला दिया होता तो इस बार जो पूरी बीजेपी, पूरे मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, अमित शाह सारे लगे हुए थे, सारों का लोगों ने भगा दिया वापस, क्यों भगाया? जनता देखती है काम को देखती है, और ये जो मौका प्रस्त लोग हैं, अब चुनाव आने वाले हैं तो ये कह रहे हैं हम पानी देंगे, बिजली देंगे, हम ये करेंगे वो करेंगे,
ठीक है विमल किशोर जी, चुनाव हुआ था विमल किशोर जी, अभी कोरोना का वक्त देखा दिया था इन्होंने विमल किशोर जी, पूरे देशवासियों ने विमल किशोर जी आवाज मिल पा रही है आपको? हाँ मिल रही है जी। हाँ सवाल सुनिएगा, अभी कोरोना का वक्त पूरी दुनिया ने देखा, भारत में किस तरीके से हालात रहे किसी से छिपे नहीं है, बहुत ही विषम परिस्थितियां रहीं। उस वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी ने एक ऐलान किया कि जो दिल्ली में लोग रह रहे हैं किराए पर रेंट पर रह रहे हैं वो मकान मालिक उनको तंग ना करें, अगर वो लोग कोरोना जैसी विषम परिस्थिति में किराया नहीं दे पाएंगे मकान का तो दिल्ली सरकार देगी, ये उन्होंने कहा। और आज तक वो ये मामला कोर्ट में पहुंच चुका है, आज तक जो लोग नहीं दे पाए किराया उनका किराया नहीं भर पाए सर, ये मामला दिल्ली में चल रहा है, इस समय कोर्ट में चल रहा है, अब बाकी लोग कैसे भरोसा करेंगे कि आप वादा करके पूरा नहीं करते हो, पंजाब की जनता कैसे स्वीकार करेगी? वादा नहीं था, आपने अरविंद केजरीवाल की स्पीच सुनी हो, उन्होंने कहा था मैं अपील करता हूँ मकान मालिक इनसे किराया ना ले और बाद में धीरे धीरे किस्तों पर ले ले। नहीं 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 सर, कोर्ट में केस चल रहा है, ये अरविंद केजरीवाल जी ने कहा, आप बताएंगे तो मैं आपको उस पे क्लिप भी भेज दूंगा आपके मोबाइल पे, आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा स्पेशली। उन्होंने कहा कि अगर ऐसे वक्त में जो किराएदार गरीब हैं पैसे नहीं दे पाते दिल्ली सरकार उनका किराया देगी, आज वो केस कोर्ट में पहुंच चुका है सर, और इस पर आपकी तरफ से जो वकील पहुंचे हैं उन्होंने कहा कि हम रणनीति बना रहे हैं इस पर, कब तक ये रणनीति बनती रहेगी और कब तक उन लोगों को इस मामले से छुटकारा मिल जाएगा। मेरे कहने का मतलब यह है कि ऐलान कर दिया गया भावनाओं में बहकर या जैसे भी, अब उस पर एक्शन नहीं हो पा रहा है तो क्या गलत संदेश नहीं जा रहा पंजाब की जनता को? नहीं लगेगा कि जब घोषणाओं की बारी आई तो हवा हवाई बहुत सारी घोषणाएं कर दी और जब पूरा करने की बारी आई तो हाँ बस रणनीति बन रही है, काम कर रहे हैं करेंगे, लेकिन इन्होंने तो जो घोषणा की इस पे काम भी नहीं करते ना, ये हमने जो घोषणा की 90% हमने जो चुनावी वायदे करे पूरे करे, हमने चुनावी वायदे 90% पूरे करे, चलिए ठीक है ठीक है। विमल किशोर जी, संदीप त्रिपाठी जी बताइए कैसे काउंटर करेंगे? काउंटर नहीं, जैसे हमने बताया कि एक झूठ का पुल बना हुआ था, रेत का माल बना हुआ था, बारिश आई पानी बाया समुद्र की लहर आई, ये बह चुके हैं, आप समझिए कि वाईफाई देने की बात कही, ठीक है अच्छा। अरे सच के पुत्र हरिश्चंद्र महाराज जी, अरे कहाँ थे आप, प्रभु आइए आपके चरण स्पर्श करूं मैं, अरे झूठों के छोटे मोदी, छोटी मोदी पार्टी, छोटी बीजेपी, झूठ बोलना आपका काम है, सिर्फ झूठ बोलने के अलावा आता क्या है आपको, हम आपका कह रहे हैं बताइए, आपका जल लोकपाल ने पूछा आपसे, आपने जवाब दिया, आपका जल लोकपाल समझ ही नहीं रहे क्या है, जैसे भी खाए हम, अरे शांत रहिए, अरे कांग्रेस ने तो पवन जी ने आपको बताया ही, आप झूठ कितना बोलोगे, जनता गुमराह नहीं होने वाली है, आपको सच्चाई और समावेशी विकास की पॉलिटिक्स की बात करनी होगी, तभी वो आप सिर्फ पर्टिकुलर एक व्यक्ति को या खुद को फायदा देकर जो राजनीति कर रहे थे उसका समय निकल चुका, आपको ये बात करनी होगी कि आप कितनी शिक्षा के लिए आप क्या कर रहे हैं, चिकित्सा के लिए आप क्या कर रहे हैं, आपको ये बताना होगा कि रोजगार के लिए आप क्या कर रहे हैं, कितने रोजगार दिए, आउटसोर्सिंग बंद करेंगे या नहीं करेंगे, उसके लिए क्या होगा, पुरानी पेंशन बहाल होगी या नहीं होगी, इस पर बात करनी होगी, ये आप बिजली और पानी फ्री देकर आप जो है गुमराह करना चाहते हैं ये बंद करिए, ठीक है जवाब ले, आप ये दिल्ली की जनता भूली नहीं है किस तरह से कोरोना काल में दिल्ली में लोगों को भागने की बात जानता हूँ, प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, 4.5 साल जनता को बरगलाते रहे, अब चुनाव देख के उलूल गुलूल बातें कर रहे हैं, हमने जो काम किया है दिल्ली में करके दिखाया, हमारे सामने प्रत्यक्ष है, हमें प्रमाण की जरूरत नहीं है, ये मेरे साथ चले दिल्ली के हॉस्पिटल दिखाता हूँ, दिल्ली के स्कूल दिखाता हूँ मैं इनको, और ये मेरे साथ पंजाब के 10 स्कूल दिखा दे मान जाऊंगा मैं इनको,
इन्होंने क्या किया? कुछ भी नहीं किया। 4.5 साल इनसे अपनी पार्टी नहीं समझता हुआ जहाज है और पूरी तरह से डूब रहा है। अब डूब के जहाज को बचाने के लिए जुनून बातें करके जनता को बरगलाने का प्रयास कर आपका और संदीप त्रिपाठी जी आपका भी। संदीप त्रिपाठी जी आप हमारे साथ बने रहिए और विमल किशोर जी आपका बहुत शुक्रिया।